अच्छे होंगे। मायसेल्फ विनय कुमार विद एंड वेलकम टू माय चैनल केएमक्यू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में लोग बात करने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में पूछने के चांस ज्यादा होते हैं, तो उन्हीं टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबसन। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड में आप लोग ने पढ़ा होगा कंबसन, मतलब हम इथेनॉल का कंबसन कराए तो क्या होगा। तो अगर हमने इथेनॉल कंपाउंड को, इथेनॉल क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, और इसका अगर इसको अगर हमने एयर के प्रेजेंस में बर्न कराओगे तो वहां से क्या मिलेगा, CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंबसन रिएक्शन। और इथेनॉल का हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इथेनॉल का कंबसन कराना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख के शॉर्ट में लिखूं तो सिंपल सा मैं लिखूंगा एल्कोहल कंपाउंड। ठीक है, प्लस यहाँ से कंबसन कराना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको CO2 H2O, और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, कंबसन रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इथेनॉल का पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल भी हम क्या लेंगे, इथेनॉल का। तो अब एल्कोहल के प्लेस पे क्या ले लो आप, इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, CH3CH2OH, और इथेनॉल का हमने एयर के प्रेजेंस में इसको बर्न करा दिया। ठीक है, बर्न करा दिया तो क्या होगा, हमने कंबसन रिएक्शन में पढ़ा था अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है और उसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो वहां से CO2 भी निकलेगा, H2O भी निकलेगा, और प्लस वहां से क्या निकलेगा, एनर्जी। और आपका आप काम है इसको बैलेंस करना। तो जरा चेक करो, कार्बन यहाँ पे कितने, दो है, तो कार्बन यहाँ पे तो यहाँ पे टू कर लो। हाइड्रोजन कितने हैं, सिक्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, थ्री कर लिया। अब कार्बन हाइड्रोजन तो खुश हो गए, बट ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे फोर और यहाँ पे थ्री, टोटल कितने, सेवन है। अब इस साइड चेक करिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पे दो है, तो टोटल थ्री हुए। तो अगर हमने यहाँ पे थ्री लगा दिया तो सिक्स और वन कितना हो गया, सेवन। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंबसन ऑफ इथेनॉल। सबसे मेन चीज देखो, आपको अगर सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस यहाँ से बना सकते हो, तो किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड को जब बर्न करते हैं तो वहां से CO2 वाटर है एनर्जी रिलीज होता है, और आपसे यहाँ पे रिएक्शन लिख दो, बस समझ में आ रही है। तो ये हो गया कंबसन रिएक्शन। दूसरा हम सेकेंड अगर बात करें यहाँ पर, दैट इज रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अगर हम एल्कोहल को किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल का एल्कोक्साइड फॉर्म होता है, प्लस उसके साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो सेकेंड जो रिएक्शन हम बात करने वाले हैं, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। ठीक है, एक्टिव मेटल्स में क्या आते हैं, आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। एक्टिव मेटल्स में आपके एनसीईआरटी में क्या दिया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया है, बट इसके प्लेस में हम पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, कोई भी मेटल यहाँ पे लेते हैं, जल्दी हम इनको एक्टिव मेटल्स मानते हैं। तो किसी भी एल्कोहलिक कंपाउंड को, मैं इसका जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ एल्कोहल प्लस, अब यहाँ से कोई भी मेटल ले लो। ठीक है, तो हमने चलो यहाँ पर सिंपल सा नाम लिया एक्टिव मेटल्स। ठीक है, और यहाँ से रिएक्शन करा दो क्या बनेगा, मेटल एल्कोक्साइड बनाएगा, और प्लस यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, जो कि आपको लिखना है तो आप ऐसे ही लिखोगे, व्हेन अल्कोहलिक कंपाउंड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स फॉर मेटल एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब अगर इसके रिएक्शन एग्जाम्पल की बात करें तो हम किसका पढ़ रहे हैं, इथेनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो इथेनॉल ले लो, CH3CH2OH, और प्लस चलो हम बुक का ही ले लेते हैं सोडियम मेटल। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे देखो क्या होगा, अब जैसे ये हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है, कौन सा हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, और हम निकाल के आ रहे हैं H2 मॉलिक्यूल, मतलब ये कैसा लेना पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल ना। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है मेटल कहां पर, वहीं पर आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, यही हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा और जो मेटल है वो आके यहीं पर अटैच होगा। तो देखो क्या बनेगा, यहां से
क्या बनेगा, CH3CH2ONa और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको ये पूरा टू लिया तो यहाँ पर भी टू लेना पड़ेगा और यहाँ पर सोडियम भी टू हो गया तो यहाँ पे टू कर दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। और इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे मेटल कौन है, सोडियम, यहाँ तो पहले हमने क्या लिख दिया सोडियम। अब यहाँ पे एल्कोक्साइड लिखा है, एल्कोक्साइड यहाँ पर कौन है, दो कार्बन है जिसको क्या बोलेंगे इथोक्साइड, अगर तीन कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं प्रोपोक्साइड, ये क्या होगा सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, एल्कोक्साइड क्या होता है कॉमन होता है, जैसे आप एल्केन बोलते हो कॉमन है, अब एल्केन के अंदर जाओगे तो मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब मिलेंगे, इसी तरह से मेटल एल्कोक्साइड, मेटल यहाँ पे सोडियम है, एल्कोक्साइड मतलब दो कार्बन का इथोक्साइड बोल दोगे, तीन कार्बन होता है अगर मान लो CH3CH2CH2ONa होता है तो सोडियम प्रोपोक्साइड बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है, ये हो गया यहाँ पर सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, इथेनॉल की। बात समझ में आ रही है बच्चा, यहाँ से आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो आपको ये बैलेंसिंग वाला दिमाग नहीं लगाना था, आप ऐसे भी कर सकते हो इस रिएक्शन को, CH3CH2OH और प्लस यहाँ से सोडियम से रिएक्शन करा दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3CH2ONa और प्लस यहाँ से हाफ एच टू कर दी तो भी तो बैलेंस है, यहाँ पे टू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाफ कर दिया मतलब एक ही हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन हमेशा ये वाला निकलेगा ये यहाँ पर चला जाएगा। तो ये हो गई सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ एल्कोहल या इथेनॉल विथ एक्टिव मेटल सोडियम है। बात समझ आई, तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इथेनॉल की। अब हम आगे और बात करने जा रहे हैं, थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, जिसपे आप ज्यादा फोकस करिएगा जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल की जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो क्या है रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कि हम एल्कोहल को इथेनॉल हमने यहाँ पे एग्जांपल लेना है और किसी भी एल्कोहल को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से क्या बनेगा एल्कीन कंपाउंड बनता है प्लस वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब एल्कोहल मॉलिक्यूल से वाटर का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन बोल सकते हो यहाँ पर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ऐसा भी आपको लिखा हुआ आ सकता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, मतलब इथेनॉल से या एल्कोहलिक कंपाउंड से क्या निकल रहा है वाटर रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सिंपल सा अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं तो कोई भी आप एल्कोहल कंपाउंड ले लो, ठीक है, और उस एल्कोहल कंपाउंड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और H2SO4 के स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपको पता होगा, और इसको क्या कर लो 443 केल्विन पे हीट कर दो तो यहां से आपको कंपाउंड क्या मिल जाएगा एल्किन कंपाउंड और प्लस यहां से H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये तो हो गया जनरल रिएक्शन, और अगर आपको सेंटेंस लिखना क्या लिखोगे कि व्हेन एल्कोहलिक कंपाउंड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ, व्हेन एल्कोहलिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू एल्किन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट टेम्परेचर 443 केल्विन, इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोल दो या फिर इसको डिफाइन कर दो। तो वो रटने का मतलब नहीं, आप इस जनरल रिएक्शन को फोकस करो और अपने फॉर्म में इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो। सेंटेंस में ध्यान क्या देना है कि आपके ये सब आने चाहिए, उस सेंटेंस जो भी आप बना रहे हो उसमें ये सब आने चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की, तो चलो इथेनॉल ले लेते हैं यहाँ पर CH3CH2OH और इसको रिएक्शन करा दो क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन हमने इसको हीट कर दिया। तो देखो होता क्या है, सिंपल सा कि जिस कार्बन से OH है तो इस कार्बन से आपका क्या OH अटैच है OH। अगर मैं इसी रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, चलो मैं पूरा स्ट्रक्चर को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से इससे तीन हाइड्रोजन थे और यहाँ से क्या था दो हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये क्या है इथेनॉल ही तो है, मैंने यहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, इथेनॉल, अब देखो यहाँ से इथेनॉल है और ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो अगर हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो क्या होगा, तो इस कार्बन से क्या निकलेगा OH और एडजेसेंट कार्बन से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, ये चीज यहाँ से निकाल देना आराम से। तो वो सिंपल सा क्या करना OH जिस कार्बन से अटैच हो वहां से OH निकाल देना
और जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देना। अब ये दोनों मिलकर OH और H मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ से H2O यहाँ से चले गए, और इन कार्बन की टेट्रावेलेंसी के लिए आपको क्या करना हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से CH2 और यहाँ से CH2, तो ये कौन कौन सा कंपाउंड बन गया, इथेन। और इसी का कॉमन नेम क्या, इसी को बोलते हैं क्या, इथाइलीन भी बोलते हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो आप ध्यान रखिए, इथीन को इथाइलीन बोलते हैं, इसी तरह से इथाइन को एसिटाइलीन बोलते हैं। तो कॉमन नेम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या आपको बोले कि इथेनॉल कंपाउंड से आपको इथाइलीन बनाना है, ठीक है, कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर क्या करो, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दो। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ये व्हाट इज द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है कि एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये आपसे पूछ लेता है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है, इसी के वजह से तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। बात समझ आ रही है बच्चा? अब अगर चलो मैं, ये तो हो गया इथेनॉल का, अगर मान लीजिए आपको गलती से कोई अदर एग्जाम्पल दे दिया हो, चलो ये तो जब भी इथेनॉल का आएगा तो यही आप देखोगे, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, और यहाँ पर मान लो सपोज लिखा हो कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, और मान लो टेम्परेचर 443 करी, और बोले प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो तरीका आपको चेंज नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस कार्बन से देखो OH अटैच है, यहाँ से OH निकाल देना, और इसका बगल वाला कार्बन कौन है, ये वाला कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देना, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, इनके बीच आएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3CH2+, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या है, प्रोपीन, और ये क्या है, प्रोपेनॉल है। तो अगर इथेनॉल होगा तो इथेन बनेगा, प्रोपेनॉल है तो प्रोपीन बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ से ये चीज ध्यान रखना कि इसका रोल क्या है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी अल्कोहल का जब हम यहाँ से कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वहाँ से अल्किन कंपाउंड बनेगा, और वाटर का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए इसको बोले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बात समझ में आ गया बच्चा? तो लास्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की बात करें, आप कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड लगा लो और उसको ऑक्सीडाइज कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन K1O4 या फिर K2Cr2 के प्रेजेंस में, तो वहां से आपको क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। और केमिकल प्रॉपर्टी और कार्बन कंपाउंड मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जनरल अगर रिएक्शन की बात करें, कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड ले लो और ठीक है, और वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ध्यान रखना कौन सा है, अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर AcD5 K2Cr2O7, इसके प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये तो हो गया अपना जनरल रिएक्शन जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो ये सेंटेंस में लिखना हो क्या लिखोगे, When alcoholic compound, इसको लिख सकते हो क्या, alcoholic compound converted into carboxylic acid in presence of alkaline potassium permanganate or acidified K2Cr2O7 potassium dichromate। तो अब इथेनॉल एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो इथेनॉल ले लिया, पहला एग्जाम्पल इथेनॉल CH3CH2OH, और यहाँ से आपको लिखा हो क्या, अल्कलाइन KMnO4, या फिर लिखा हो एसिडिक K2Cr2O7, तो क्या करना है आपको, बस यहाँ से इसको गायब करो, यहीं पे COOH रख दो और खुश हो जाओ। ये क्या है, इथेनॉल, और ये क्या है, इथेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही है? तो जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, CH2OH जहां पर रहेगा और ये रिएजेंट देखा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ऑक्सीजन था दो ऑक्सीजन हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर मान लीजिए हमने इथेनॉल ना देके आपको प्रोपेनॉल दे दे CH3CH2CH2OH, और यहाँ पर आपको लिख दे एसिडिक K2
Cr2O7। और बोले बताओ बच्चा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या किया, आपने एल्कोहल देखा, एल्कोहल में कौन है यहाँ पर, प्रोपेनॉल। तो जितने कार्बन के एल्कोहल है उतने ही कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, प्रोपेनॉल है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोपोनोइक एसिड, मतलब CH3CH2COH। ठीक है, तरीका क्या है, आपको बस इसके प्लेस पे क्या रख देना है, देखो सी डबल ओएच रख दे रहे हैं तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ से, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ध्यान रखिए आपको जब भी बोले कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी ही लिखना है। अगर आपको कुछ नहीं बोलना है, बोलना है राइट सिंपल सा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, तो वहां पर प्रॉपर्टी में फिजिकल या केमिकल दोनों लिख सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ओनली राइट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी ही लिखना होगा, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं लिखना कि इथेनॉल कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, जितने भी कफ सिरप ये सब मेडिसिन होता है वहाँ पे यूज होते हैं, बाकी वाटर से हल्का होता है, ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ये सब पॉइंट लिखने होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।